जय गौ माता, वंदे मातरम। मैं मानसरोवर पंचगव्य फाउंडेशन गुरुकुल ग्रेटर नोएडा ग्राम सरकपुर से। हमारे यहाँ एक बहन जी आई हुई हैं। बहन जी कहाँ से आई हैं आप? हम लोग हल्द्वानी से आए हैं, उत्तराखंड। हल्द्वानी उत्तराखंड से बहन जी आई हैं। क्या समस्या थी बहन जी आपको? मुझे डिप्रेशन था, हाइपर डिप्रेशन। अच्छा, आपको डिप्रेशन? हाँ, घबराहट। अच्छा, घबराहट थी जी। तो बहन जी आपको कितने रोज हो गए यहाँ आए हुए? यहाँ मैं, हम लोग 13 तारीख को आए थे, आज 16 तारीख है जी। तो आप 3 दिन में बहन जी कैसा अनुभव कर रही हैं यहाँ? मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा है, जैसे सोच में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी है अंदर से, और मन में थोड़ा शांत जैसा, शांति का भाव जैसा हो रहा है। अच्छा, आपको यहाँ के अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, अच्छा महसूस। तो बहन जी आप यहाँ लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गौ माता पे आप बार बार हाथ फिरा रही हैं, इससे क्या आपको बेनिफिट है? इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, इन सब चीज़ों में, और डिप्रेशन में तो भी काफ़ी होता है। बहुत बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि गौ माता की हो सके हमें उतनी सेवा करनी चाहिए, और जो अपने घर में गौ माता को रख सकते हैं तो उनको रखना जरूर चाहिए, गौ माता को रखना चाहिए। हाँ, इससे हमारी काफ़ी बीमारियाँ, मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो गौ माता से ठीक ना हो सके। तो बहन जी आपका ये मानना है कि आप गौ माता की शरण में आके जी आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? संतुष्ट। और लोगों से ये कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा करें जी, और गौ आधारित ही जो सामान है वो यूज करें अपने घर में, गाय का दूध है, गाय की छाछ है, घी है, इस तरीके का जी, जी। तो आप कैसा महसूस कर रही हो आज? अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा महसूस कर रही हूँ काफ़ी। ठीक।